Everyone, I welcome you to the way to hell. यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बेसिकली कि सीटेट पेपर टू के लिए एलिजिबल कौन है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का सवाल आता है कि भाई सीटेट पेपर टू के लिए क्या बीएड होना जरूरी है, क्या डीएलएड वाले सीटेट पेपर टू नहीं देते हैं। तो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं सीटेट पेपर टू के लिए सिलेबस नहीं ऐसे कि सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, मतलब कौन से सब्जेक्ट से आप देंगे, ये सारे सवाल आपके मन में आते हैं, आप बहुत बार पूछते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीटेट पेपर टू जानने से पहले डीएलएड और बीएड के बारे में जानते हैं कि डीएलएड करने के बाद आप किस स्टैंडर्ड तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, बीएड के बाद किस स्टैंडर्ड तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। देखिए, हम लोग डीएलएड की बात करें, डीएलएड जो भी नाम से होगा, बीटीसी और डीएड डाइट जो भी नाम से होगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर बेसिक एजुकेशन की बात करें, मतलब डीएलएड कोर्स है उसमें आप जो भी कह रहे हो, नाम कुछ भी हो सकता है उसके लिए है। क्या डीएलएड जब भी करते हैं ना, प्लस टू के बाद होता है, 10 प्लस टू के बाद आप डीएलएड करते हैं और प्राइमरी लेवल एलिमेंट्री लेवल तक आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एलिमेंट्री लेवल का मतलब 8 तक, यानी मिडिल स्कूल जो लेवल है वहां तक आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, डीएलएड करने के बाद। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई डीएलएड के बाद पेपर टू दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। देखिए, पेपर वन तो आप दे ही सकते हैं, पेपर वन का मतलब यहाँ पे होता है, जो लोगों को नहीं पता है, 1 to 5, यानी कि पेपर वन आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो 1 से 5 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये सब लोग करते हैं, डीएलएड वाले करते ही करते हैं, ठीक है। और आजकल आप देख रहे हैं कि कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई बीएड वाले प्राइमरी लेवल में नहीं पढ़ा सकते, तो ऑब्वियसली ये डीएलएड के लिए रही गया। तो ये तो सबको क्लियर है कि भाई डीएलएड के बाद पेपर वन कर ही सकते हैं, इसीलिए हम डीएलएड करते ही। लेकिन बात आती है क्या डीएलएड के बाद पेपर टू हम दे सकते हैं और 6 to 8 में पढ़ाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए, पेपर टू आप एक ही शर्त में दे सकते हैं, आपने डीएलएड कर रखा, आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप पेपर टू दे सकते हैं। कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, बच्चा बच्ची जो भी है, अगर सिर्फ डीएलएड कर रखा है उन्होंने तो वो पेपर टू नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन कर रखा है तो फिर ग्रेजुएशन के बाद आप पेपर टू दे सकते हैं। पेपर टू का सब्जेक्ट क्या होगा? पेपर टू का सब्जेक्ट वही होगा जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो पेपर टू में आप साइंस चूज करेंगे, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो पेपर टू में आप सोशल साइंस चूज करेंगे, आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज करेंगे। ये होता है पेपर टू की कहानी। अब पेपर टू देने के बाद अगर आप डीएलएड हो और पेपर टू दियो, अब एक सवाल आता है कि भाई डीएलएड के बाद पेपर टू हमने पास करके लिया तो क्या हम टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल है? तो नहीं, आप डीएलएड के बाद टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है पेपर टू पास करने के बावजूद। देखिए, डीएलएड किया आपने, पेपर वन अगर पास करके आप कर गए आप, तो आप हो जाते हो एलिजिबल प्राइमरी टीचिंग के लिए, प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, वेदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट में आपको एंट्रेंस निकालना होता है, जो भी उनका टेस्ट होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना होता है, प्राइवेट में आप वैसे ही पढ़ा सकते हो। पेपर वन क्या, कई बार तो बिना डीएलएड या डीएलएड वाले पढ़ा सकते हो, वो अलग बात है। अच्छे प्राइमरी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात करूं तो वो एलिजिबिलिटी अगर आपका देखेंगे तो आप पेपर वन से देखेंगे प्राइमरी के। अब बात आती है कि पेपर टू का क्या फायदा है। देखिए, आपने डीएलएड किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आप अगर पेपर टू पास करते हो तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल होते हो, यानी कि मिडिल स्कूल जो एलिमेंट्री लेवल के स्कूल है, 6 से 8 तक, 6, 7, 8 ये 3 क्लास पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होते हो पेपर टू क्वालिफाई करने के बाद। बीएड वाले भी पेपर टू क्वालिफाई करने के बाद 6 to 8 पढ़ाएंगे और डीएलएड और ग्रेजुएशन, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन अगर आपके पास तब भी, यानी कि बीएड प्लस ग्रेजुएशन है, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है और आप पेपर टू अगर पास कर गए हो तो आप एलिजिबल होते हो 6 to 8 में पढ़ाने के लिए। ये बात खत्म हो गई। अब कोई बच्चा डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है, पेपर टू पास है तो वो 6 to 8 पढ़ाएगा, उनका यहीं तक है। पेपर वन पास है तो 1 to 5 तक, और पेपर टू पास है अगर तो 6 to 8 तक पढ़ाएगा, उनके लिए बस इतना ही अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे डीएलएड करने के बाद। अब कोई बीएड है तो वो ऑब्वियसली वो टीजीटी पीजीटी में भी जाएंगे, टीजीटी पीजीटी ओनली एंड ओनली वो बीएड वाले का होता है। आप ये हद से मैं ये कंफ्यूजन में कभी मत रहना कि आपने अगर पेपर टू कर लिया डीएलएड और ग्रेजुएशन के बाद तो आप टीजीटी पीजीटी के एलिजिबल हो गए, आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे। होपफुली सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना। सब्जेक्ट का भी मैंने बता दिया कि आपका जो बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का, उसी के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं सीटेट में। हालांकि सीटेट के सर्टिफिकेट देखे जाते हैं, लेकिन आप जिस बैकग्राउंड से हो उस बैकग्राउंड के ही सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ेंगे। आर्ट्स वाले साइंस मैथ्स नहीं चूज कर सकते और साइंस वाले सोशल साइंस चूज नहीं कर सकते, ये ऑब्वियसली बात है, क्लियर बात है, ये आपको पता ही होगा। होपफुली चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई सवाल इससे रिलेटेड होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछे। So that is for today. Please stay connected, keep growing. Thank you so much. Bye bye. Take care.